लखनऊ गर्ल को लेकर पटना वाले खान सर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और कहती बहुत बड़ी बात। बताइए जब पागल है, कूद कूद के मार रही है इसे। अरे इतना शौक है तो ओलंपिक में चल जाओ। अगर ये कि वो हमको ला दिया रहता, अरे गनीमत मनाओ कि ऑटो वाला ओला वाला था, सलमान खान रहता तो ठोक के निकल जाता। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ गर्ल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लखनऊ गर्ल की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब पटना वाले खान सर ने भी लखनऊ गर्ल के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। पटना वाले खान सर कहते हैं कि गनीमत मानो कि ओला वाला और कैब वाला था, अगर वो सलमान खान होता तो ठोक कर निकल जाता। खान सर यही नहीं रुके, खान सर ने आगे जो कहा वो गौर से सुनने वाली बात है। खान सर कहते हैं सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, मगर इन जैसी एक दो लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती है। आपको पता है कल लड़की के साथ सच में कोई अत्याचार होगा तो लोग बोलेंगे सब तो ऐसी ही होती है, मार के चली जाती है, मारा जाता है। एक दो लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती है। आपको पता है इसी घटना की वजह से कल को कोई लड़की के साथ सच में अत्याचार होगा तो लोग कहेगा दूर ससुरा, सब तो ऐसी ही होती है, सब मार के चल जा रही है। खान सर आगे कहते हैं ये लड़की एक इंटरव्यू में कहती है कि उसको 200-300 लोगों ने मिलकर मारा। अगर इस लड़की को 200-300 लोगों ने मारा होता तो लड़की को ढूंढना पड़ता कि वो कहाँ गई। अरे हमको सारे लोगों ने मारा है, 200-300 लोगों ने मारा है, बता एक लड़की को 200-300 लोग मारेंगे तो लड़की को खोजना पड़ेगा किधर गई। और वहीं कैब ड्राइवर सादत का कहना है अगर लड़की को सजा नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ लड़की मांग कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज को पूरा दिखाया जाए जिससे उस लड़की का पक्ष भी सामने आ सके। हम लगातार आपको इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं और आगे जो भी अपडेट होगा आपके सामने रखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ गर्ल के खिलाफ FIR हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक जेल से बाहर है और सोशल मीडिया पर लोग उसे अरेस्ट करने की मांग उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।